नीचे राइट साइड हैंड में वाटरमार्क आ चुकी है। इससे हटाने के लिए हमें उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस फ्री रिमूव ऐसा ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ टाइम तक ये लोड लेगा और वाटरमार्क चली जाएगी। नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपने इनशॉट एप्लीकेशन की वाटरमार्क निकालना चाहते हैं, जो कि एक वीडियो एडिटिंग ऐप है जिससे हम वीडियो एडिट करते हैं और उसकी वाटरमार्क हमसे वैसे ही रह जाती है? तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि उस वाटरमार्क को कैसे निकालें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको मैं पहले फ़ोटो का करके दिखाता हूँ, जो कि फ़ोटो में वाटरमार्क आती ही नहीं है। ये देखिए, यहाँ राइट साइड में नीचे वाटरमार्क आती है, पर वो फोटो में नहीं, वीडियो में आती है, इसलिए मैं यहाँ पे इसे डिस्कट कर देता हूँ। और यहाँ पे बैक जाके अब हम वीडियो के अंदर एंटर करेंगे। उसके बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे मैं एक वीडियो चूज कर लेता हूँ और उसे राइट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे राइट साइड हैंड में वाटरमार्क आ चुकी है। इससे हटाने के लिए हमें उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस फ्री रिमूव ऐसा ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ टाइम तक ये लोड लेगा और वाटरमार्क चली जाएगी। यहाँ मेरे मोबाइल में ऐड नहीं आती है, कुछ कुछ मोबाइल में यानी कुछ कुछ वर्जन में ऐड आती है, बट यहाँ मेरे फ़ोन में ऐड नहीं आती है। हो सकता है आपके मोबाइल में ऐड भी आ सकती है। अभी मैं आपको और एक वीडियो की वाटरमार्क निकाल के दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं फिर से वीडियो में जाता हूँ और उसके बाद न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे एक दूसरा वीडियो ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने ये वीडियो ले लिया है। अब इसे फिर से वही करना है, यहाँ पे वाटरमार्क पे क्लिक करना है और यहाँ फ्री रिमूव पे क्लिक करके। तो इस तरह से हमारी वीडियो की वाटरमार्क चली जाती है। तो आप, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप ट्राई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।